हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है प्राइमरी एनिमल सेल कल्चर, जिसे प्राइमरी सेल कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जो प्राइमरी सेल कल्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो आपकी सेल होती हैं उसको किसी भी ऑर्गन से आइसोलेट किया जाता है। इसमें ऑर्गन के रूप में या तो लीवर को, ब्रेन को या लंग्स को यूज़ किया जाता है। इससे मैकेनिकल या एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा सेल्स को आइसोलेट कर लिया जाता है। अब इन सेल्स को एक कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस हुई इसको ही हम प्राइमरी सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेल कल्चर में सिर्फ इतना होता है कि आप सेल को किसी भी ऑर्गन से आइसोलेट करेंगे और उसे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रोसेस को ही प्राइमरी सेल कल्चर कहते हैं। प्राइमरी सेल कल्चर को इस प्रकार भी डिफाइन किया जा सकता है कि आपने किसी ऑर्गन से सेल को आइसोलेट किया, मैकेनिकल या एंजाइमेटिक मेथड, कोई सा भी मेथड यूज़ करके आपने सेल को आइसोलेट किया और इसे कल्चर मीडियम में इस्टेब्लिशमेंट करना या ट्रांसफ़र करना कल्चर मीडिया में ही प्राइमरी सेल कल्चर कहलाता है। ये एक इसकी बिल्कुल बेसिक और सिंपल डेफिनेशन है। देखिए, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में समझाया गया है प्राइमरी सेल कल्चर। ठीक, ये जो हमने सेल्स को किसी भी ऑर्गन से आइसोलेट किया और इसे कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र किया, ये हो गया आपका प्राइमरी सेल कल्चर। यहाँ पर ये जो सेल होंगी ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगी, तो ये कल्चर मीडियम से न्यूट्रिएंट को लेंगी और ये सेल डिफरेंशिएशन एंड प्रोलीफरेशन करेंगी, यानी कि सेल ग्रो करने लगेंगी। तो जब ये ग्रो करेंगी तो कल्चर मीडियम से न्यूट्रिएंट ख़त्म होने लगेंगे। जब न्यूट्रिएंट ख़त्म होने लगेंगे तो एक टाइम आएगा कि सेल को ग्रो करने के लिए और अधिक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी। तब इन सेल्स को हमें एक सेकेंड कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो इसको हम कहेंगे सब कल्चर। ठीक, तो सब कल्चर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम प्राइमरी सेल कल्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमने सेल को कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया है, वो सेल दो टाइप का नेचर शो कर सकती है। एक जो नेचर है वो है एनकरेज डिपेंडेंट और जो दूसरा होता है वो होता है एनकरेज इंडिपेंडेंट। ठीक, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम एनकरेज डिपेंडेंट सेल को। जो एनकरेज डिपेंडेंट सेल होती हैं ये आपके ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की जो बॉडी होती है उसमें उन ऑर्गन से आइसोलेट की जाती हैं जो ऑर्गन बॉडी में फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। राइट, जैसे कि आपका किडनी, लीवर, ब्रेन, ये इसके एग्जांपल हैं। ये आप देखेंगे किडनी एक ही जगह पर फिक्स होती है, वो मूव नहीं कर सकती। जो ब्रेन है वो भी मूव नहीं कर सकता। तो ऐसे ऑर्गन से जो सेल आइसोलेट की जाती हैं, इन सेल को अगर आप कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करोगे तो वो एक सिंगल लेयर में ग्रो करेंगी और ये जो सेल होती हैं ये सेल कल्चर मीडिया जब इन्हें अगर इन सेल को सॉरी इन सेल को अगर ग्रो करना है तो ये पहले कल्चर मीडिया से अटैच होती हैं, उसके बाद ग्रो करती हैं। इसलिए इनको एनकरेज डिपेंडेंट सेल कहते हैं, क्योंकि ये अगर इन्हें ग्रो करना है, ये डिवाइड करना है, प्रोलीफरेशन डिफरेंशिएशन अगर इसमें होना है, तो उससे पहले ये सेल जो सरफेस होता है कल्चर मीडिया के उससे अटैच हो जाती हैं, उसके बाद ये डिवाइड होना स्टार्ट करती हैं। अब पढ़ते हैं इनकरेज इंडिपेंडेंट सेल के बारे में। ये जो सेल्स होती हैं जब ये कल्चर मीडिया में ग्रो करती हैं तो इन सेल को ग्रो करने के लिए सरफेस अटैचमेंट यानी कि कल्चर मीडिया के सरफेस से अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये ल्यूकिड मीडियम या सस्पेंशन कल्चर में फ्रीली ग्रो कर सकती हैं और ये फ्रीली मूव भी कर सकती हैं। तो ये कल्चर का यूज़ जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं उनको कल्चर करने में होता है। जितने भी टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं वो सभी एनकरेज इंडिपेंडेंट सेल कल्चर शो करती हैं। अब देखिए, एनकरेज डिपेंडेंट सेल, ये जो सेल्स हैं ये कल्चर मीडियम में मोनोलेयर में ग्रो कर रही हैं, मतलब सिंगल लेयर में ही ग्रो करती हैं। और ये जब ग्रो करेंगी तो इन्हें ग्रो करने से पहले ही सरफेस से कल्चर मीडिया के सरफेस से अटैच हो जाएंगी, उसके बाद ग्रो करती हैं। और जो एनकरेज इंडिपेंडेंट सेल होती हैं ये सस्पेंशन के रूप में ग्रो करती हैं, यानी कि इन्हें ग्रो करने के लिए किसी भी सरफेस अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये लिक्विड मीडियम में फ्रीली मूव करते हुए ग्रो करती हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी सेल कल्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल कल्चर।